साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत कानून से कल तक रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुसूसी अदालत ने कहा था मुशर्रफ पेश ना हुए तो हक दिफा खत्म हो जाएगा। मुतमईन किया जाए कि आपकी दरख्वास्त में बयान करदा हकायक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ का ट्रायल मुकम्मल करने और फैसला सुनाने के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने कहा था कि मुशर्रफ की अदम पेशी पर हक दिफा खत्म हो जाएगा। विफाकी हुकूमत केस में रोड़े अटका रही है। खुसूसी अदालत भी ट्रायल मुकम्मल ना करके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत और खुसूसी अदालत को मुनासिब हिदायत जारी करे। दरख्वास्त में मौके सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आर्मी चीफ वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा को नोटिस जारी। मजीद समात कल होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम ने 19 अगस्त को अपने तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। गलती का एहसास हुआ तो समरी सदर को भिजवाई गई। सदर ने उसी रोज समरी की मंजूरी दे दी। मामला काबीना में पेश किया गया। वफाकी काबीना के 25 में से सिर्फ 11 अरकान ने तौसी की मंजूरी दी। LNG केस में पहली जमानत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के शरीक मुलजिम साबिक MD PSO इमरान उल हक की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी मुआशी और सिक्योरिटी सूरतहाल का जायजा। वजीर आजम कोर कमेटी इजलास के फैसलों पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। काबीना को हुकूमत की मुआशी कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग।